नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल JS टॉपिक स्टडी में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम संख्याओं का वर्ग निकालना सीखेंगे, कुछ स्पेसिफिक संख्याओं का, यानी कि 100 से लेकर 150 के बीच में जितनी भी संख्याएं आती हैं उनका वर्ग आप बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। अगर आप सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक पूरा जरूर से देखिएगा, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पर चार एग्जाम्पल लिए हैं। पहले हम 104 का स्क्वायर निकालेंगे, फिर 102 का स्क्वायर निकालेंगे, फिर 112 का स्क्वायर निकालेंगे और फिर 120 का स्क्वायर निकालेंगे। ठीक है, तो ये जो लास्ट वाले दो है ना, इनको आप ध्यान से देखिएगा क्योंकि इनमें थोड़ी सी दिक्कत आती है। जो समस्या आएगी वो मैं आपको समझा दूंगा कि इसमें क्या समस्या आती है। ठीक है, तो यहाँ पर चार सवालों को आप बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल क्या है कि हमें 104 का वर्ग निकालना है। अब इसे हम कैसे निकाल सकते हैं? जो नॉर्मल मेथड होती है वो क्या होती है, 104 गुणा 104, इनको करेंगे आप तब जाकर आपका स्कोर आएगा और ये काफी लंबी यहाँ पर प्रोसेस हो जाएगी। तो हम ये सब नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, ट्रिक लगाएंगे। ठीक, ट्रिक क्या है देखिए। सबसे पहले हम लिखेंगे संख्या, जो संख्या है, ठीक है, संख्या लिखेंगे प्लस जो संख्या 100 से कितनी ज्यादा है, 4 ज्यादा है, तो यहाँ पर लिखेंगे 4। ठीक है, और यहाँ पर या फिर आप यहाँ पर लिख सकते हैं संख्या या संख्या का अंतर। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर 4 लिख देता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये 100 से 4 ज्यादा है तो 4 लिख दिया और यहाँ पर इसी 4 का स्क्वायर कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए अब इसी सवाल को हम इसी ट्रिक से करते हैं। ठीक है, इसको मिटा देता हूँ। अब देखिए, सबसे पहले क्या था, संख्या, तो ये हमने रख दी 104। ठीक है, प्लस संख्या और 100 का अंतर कितना है, 4 है, मतलब ये 100 से 4 ज्यादा है तो यहाँ पर 4। ठीक है, फिर एक लाइन खींचेंगे यहां पर 4 का स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब यहां पर 4 का स्क्वायर करें क्या आ जाएगा, 4 चौके हो जाएगा 16। ठीक है, और यहां पर देखिए 4 और 4 कितने हो जाएंगे, 8, यानी ये आ जाएगा 108। ठीक है, और अब हमारा आएगा फाइनल आंसर 108 और यहाँ पर 16, ये हमारा क्या हो गया, आंसर आ गया। देखिए इतना आसान है, मैंने आपको समझाया इसलिए थोड़ा सा टाइम लगा है, लेकिन जब आप इसको समझ जाएंगे, सीख जाएंगे, फिर आपको टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये पहला सवाल हमारा सोल्व हो गया है। अब हम दूसरे सवाल को करते हैं। दूसरा सवाल क्या है, हमें 102 का वर्ग निकालना है। ठीक है, 102 का कैसे निकलेगा, सबसे पहले संख्या लिखेंगे 102। ठीक है, फिर इसमें हम क्या जोड़ेंगे, जो जितना ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है तो यहां पर लिखेंगे 2। ठीक है, फिर इसके बाद में एक लाइन खींचेंगे और यहां पर 2 का स्क्वायर। ठीक, चलिए यहां पर कर देते हैं, 102 और 2 कितने हो जाएंगे, 104 हो जाएंगे। अब यहां पर 2 का वर्ग करें कितना आएगा, 2 × 4। अब यहां पर आपको ध्यान लगाने की जरूरत है क्योंकि यहां पर हमें हमेशा 2 अंक चाहिए, यहां पर एक ही अंक आया है। ठीक है, इसका वर्ग किया है तो एक ही अंक आया है, तो हम क्या करें, यहां पर एक 0 लगा देंगे। ठीक है, तो अब हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 104। ठीक है, 2 और 2 4 हो गए 104 और यहां पर 04, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। देखिए कितना सिंपल था। चलिए अब आते हैं हमारे तीसरे सवाल में। तीसरा सवाल क्या है, 112 का हमें स्क्वायर निकालना है। तो यहां पर देखिए 112 का स्क्वायर हमें करना है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, संख्या क्या है, 112 है। ठीक है, प्लस ये 100 से कितना ज्यादा है, 12 ज्यादा है, ये 12 लिख दिया। ठीक, फिर इसके बाद में एक लाइन खींचेंगे यहां पर 12 का स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब यहां पर इनको जोड़ दीजिए तो यहां पर देखिए 12 12 24, यानी यहां पर आ जाएगा 124। ठीक है, अब इसका वर्ग निकालते हैं, इस 12 का वर्ग कितना होता है, 144 होता है, 144 हमने लिख दिया। ठीक है, चलिए अब हमें यहां पर हमेशा 2 अंक चाहिए लेकिन यहां पर 3 आ गए, अब क्या करेंगे, तो अब इसमें थोड़ा सा स्टेप और हमें ऐड कर देना है। देखिए कैसे, यहां पर 44 तो रहेंगे, ये 44, लेकिन ये जो एक है ना, ये इधर पे कैरी आ जाएगा, तो 4 में कितने हो जाएंगे, 5, ये हो गया 5 और यहां पर 2 और यहां पर 1। ठीक है, समझ गए, 2 अंकों को तो हम यहां पर ले लेंगे, तीसरे अंक को हासिल चढ़ा देंगे यहां पर, तो 4 और 1 5 हो जाएगा, तो ये 5 हो गया, फिर 2 है, फिर 1 है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। ठीक, चलिए अब करते हैं चौथा वाला सवाल और सीख लेते हैं, फिर इसके बाद में मैं आपको एक होमवर्क दूंगा जो आप मुझे कमेंट करके इसका आंसर बताएंगे। चलिए चौथे करते हैं, 120 का हमें क्या करना है, स्क्वायर निकालना है। ठीक है, कैसे निकलेगा, सबसे पहले संख्या लिखेंगे 120। ठीक है, इसके बाद में ये संख्या जो है 100 से कितनी ज्यादा है, 20 ज्यादा है, तो ये 20 लिख देंगे, फिर एक लाइन खींचेंगे और 20 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, चलिए अब जो आएगा उसको हम यहां पर लिखेंगे, देखिए 120 और 20 कितने हो जाएंगे, 140। ठीक है, और यहां पर देखिए 20 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, 400 आ जाएगा, तो ये 400 कर दिया। ठीक है, अब हमें यहां पर
हमेशा दो अंक चाहिए लेकिन तीन आ गए हैं तो कोई बात नहीं, यहाँ पर दो अंक जीरो है तो ये जीरो, और जो चार है ये इधर पर कैरी आ जाएगा मतलब यहाँ पर, तो जीरो और चार को जोड़ेंगे तो चार आ जाएगा, यहाँ पर चार है तो ये चार और यहाँ पर एक है तो ये एक, तो ये हमारा क्या है फाइनल आंसर निकल कर आ गया है। तो देखिए कितना सिंपल है, आपको कुछ भी यहाँ पर ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बहुत ही आसानी से हो जाता है। चलिए अब मैं आपको एक होमवर्क देता हूँ जिसको आप कमेंट करके जिसका आंसर मुझे बताएंगे। आपको बताना है 103 का स्क्वायर क्या होगा, और आप इसको भी कर सकते हैं 105 का स्क्वायर क्या होगा, दोनों का आंसर आप मुझे कमेंट करके जल्दी जल्दी से कमेंट करके बताइए, फिर मैं आपकी कमेंट को लाइक करूंगा।